आईपीएल 2024 में आज 19वें मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों के बीच यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान ने इस सीजन में अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही जीत दर्ज की है, जबकि बेंगलुरु ने 4 मैच खेले हैं और उन्हें सिर्फ एक ही जीत नसीब हुई है। ऐसे में दोनों के बीच यह भिड़ंत काफी दिलचस्प हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और प्रेडिक्शन क्या होगी। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। T20 क्रिकेट में यहाँ बैटर्स का बोलबाला होता है, हालांकि गेंदबाजों को भी यहाँ थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन बल्लेबाज हावी रहते हैं। राजस्थान ने यहाँ इस सीजन अब तक 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की है और दोनों ही हाई स्कोरिंग मुकाबले रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक कुल 30 बार आमने सामने आई हैं। इन 30 मुकाबलों में 15 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने बाजी मारी है और वहीं 12 बार राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती है। 3 मुकाबले बेनतीजे रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास शीर्ष क्रम में कप्तान फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और रजत पाटीदार जैसे शानदार आक्रामक बल्लेबाज हैं, लेकिन कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। विराट कोहली 2 अर्धशतक समेत 203 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल कर चुके हैं। गेंदबाजी में राजस्थान का पलड़ा भारी है, जिसके पास तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर के अलावा अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल है। युजवेंद्र चहल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वे अब तक 3 मैचों में 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। युजवेंद्र चहल ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इस मैच में अगर हम विराट कोहली का विकेट जल्दी ले लेते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंडर प्रेशर आ जाएगी। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम जल्द से जल्द विराट कोहली को आउट करना चाहेगी।